हरियाणा के अंदर ये किलोमीटर स्कीम में प्राइवेट प्लेयर्स को और हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार ने अपने निजी फायदे के लिए और उन लोगों को ये किलोमीटर स्कीम में शामिल किया गया जिन्होंने सरकार को मोटी रिश्वत दी थी। हरियाणा रोडवेज की जो बसें जिन रूट्स पे चलती हैं सरकार ने साजिश के तहत, वो मैंने दस्तावेज इसमें लगाए हैं, उनको उनका खर्चा ज़्यादा दिखाया गया। और जो प्राइवेट लोगों को जब ये किलोमीटर स्कीम में ये रूट्स दिए जाने थे ज़्यादा होते हुए भी इनके खर्चों को कम आंका गया, तो वो डिटेल हमने इसमें दी है कि जब डिपार्टमेंट के सामने ये आंकड़े थे और वो कैलकुलेशन में वो जो खर्चा है वो रोडवेज से बहुत ज़्यादा आगे जा रहा था, तो सरकार ने ये क्यों कहा कि ये प्राइवेट को अगर देंगे तो खर्चा कम होगा। तो ये 1600 करोड़ रुपए का स्कैम है जिसमें और कोई नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी शामिल हैं, क्योंकि स्कीम के जब कागज़ उनके पास भेजे गए तो उन्होंने फाइल के ऊपर ये लिखा कि ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये बहुत अच्छी स्कीम है, जबकि ये घोटाला है। और रोडवेज के कर्मियों ने इसका विरोध किया, हमने हरियाणा की विधानसभा में किया, पहले भी मैंने महामहिम राज्यपाल जी को इसके बारे में लिखा है कि ये घोटाला किया जा रहा है रोडवेज को ठिकाने लगाने के लिए, प्राइवेट लोगों को रोडवेज के रूट्स देने की साजिश है। तो उन सब बातों से आज भाजपा सरकार, कोई इस बात का असर उनके ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। विजिलेंस की प्रोब जो चली हुई है वहाँ भी मुझे बुलाया गया था, वहाँ भी मैंने जाकर के ही कहा कि भाई विजिलेंस का महकमा मुख्यमंत्री के पास होता है और हमारा आरोप इसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ है कि मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं, तो आप ये प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो किसी के पास कोई संतुष्टि से भरा हुआ जवाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मोटी रिश्वत ली है और रोडवेज को ठिकाने लगा करके प्राइवेट जो बस ऑपरेटर्स को इन्होंने ये किलोमीटर स्कीम में शामिल किया है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। तो इस पे आप किससे जांच कराने की बात कर रहे हैं? क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री का महकमा है, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ ये जांच है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो मैंने महामहिम जी से कहा है कि इसकी जाँच किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी से कराई जाए और ये रूट्स परमिट फौरन कैंसिल होने चाहिए। जो भी लोग इसमें शामिल हैं मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके इनके खिलाफ, इनके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कौन क्या डॉक्यूमेंट्स हैं सर? ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस घोटाले में जो आंकड़े इन्होंने गलत प्रस्तुत किए, जो कि डिपार्टमेंट के अपने आंकड़े हैं, उनका बाकायदा ब्यौरा दे करके जब कैलकुलेट किया तो रोडवेज से उनका खर्चा कम दर्शाया गया, जबकि वो खर्चा एक्सीड करता है, रोडवेज से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उन आंकड़ों को जानबूझ करके पूरा डिपार्टमेंट, इन्हीं मंत्री और मुख्यमंत्री भी इग्नोर करते हैं, नहीं देखते हैं और उल्टा अप्रिशिएट करते हैं। तो इन सबको इसमें मोटा धन मिला है, रिश्वत ली गई है और हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के विरोध के बावजूद, हरियाणा की विधानसभा में हमने ये मुद्दा उठाया, उस विरोध के बावजूद भी सरकार अपने सत्ता के नशे में और इस तरह का भ्रष्टाचार हरियाणा में फैलाने में लगी हुई है, और उसमें और कोई नहीं बल्कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री। एक सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ था कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष ने कमेटी का गठन किया था उसको आपके प्रभारी ने कहा कि ये ठीक नहीं है और ऐसा आप कर नहीं सकते, लेकिन बावजूद उसके बैठक होती है, आप कैसे देखते हैं और अब आगे कहाँ जा रही कांग्रेस? क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो इस्तीफा हुआ है उसका अभी कोई फैसला नहीं हो पा रहा कि कौन उनकी जगह अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जैसे ही अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तुरंत तौर पर हरियाणा का भी जो ये मामला है उसका फैसला हो जाएगा कि हरियाणा की कांग्रेस ने किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन जहाँ तक हरियाणा की विधानसभा का सवाल है तो कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं और हम भाजपा का मुकाबला करने की पूरी स्थिति में हैं और विधानसभा के चुनाव में भाजपा के दांत खट्टे करेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। इलेक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कमेटी जो गठित की गई, इसको आप कैसे देखते हैं? वो जब AICC के हमारे महासचिव श्री गुलाम नबी आज़ाद जी ने वो ठीक नहीं माना तो वो पार्टी का फैसला है, उसमें मेरे लिए तो कहने की बात ही नहीं। कल सुखबीर बादल जो कि सांसद हैं पंजाब से, उन्होंने पार्लियामेंट में चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी के रूप में ले लिया और कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बना देना चाहिए।
इसको आप कैसे देखते हैं? कई सालों से जब से अलग राज्य में ये घटनाशन चलती आ रही है और एक बार सुखबीर बादल ने जो इस पर कहा, इस पर क्या कहना? ये मेरा निजी मत है, ये कांग्रेस पार्टी का इसको मत ना माना जाए। मैंने तो हरियाणा की विधानसभा में बाकायदा तौर पर ये कहा है कि हरियाणा को अपनी राजधानी अलग से बनाना चाहिए और वो राजधानी हरियाणा की जब अपनी राजधानी होगी चंडीगढ़ से अलग, तो उसमें एक हरियाणा का नया एक स्वरूप होगा। हरियाणा एक प्रदेश के तौर पर आगे बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारा जो कल्चर, हमारी जो सभ्यता यहाँ जो उभर करके नहीं आ सकी राजधानी ना होने की वजह से, तो निजी तौर पर मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि ये चंडीगढ़ पंजाब को दे करके उसके एवज में इनसे पैसा लेकर के और एक नई राजधानी हरियाणा की बने जहाँ रोज़गार मिलेगा नौजवानों को, हमारी जो कल्चर है, हमारे जो हरियाणा का स्वरूप है वो दुनिया के सामने उभर करके आएगा और हरियाणा इस दुनिया में अलग तरीके से जाना जाएगा। लेकिन ये मेरा निजी सुझाव है। तरीके से पंजाब और पंजाब के लीडर्स जो हैं सुखबीर बादल हैं, उनका सपोर्ट आप करते हैं इस मामले में? नहीं, मैं सुखबीर बादल जी तो आज कह रहे हैं, मैं तो ये बात हरियाणा की विधानसभा में कह चुका हूँ और मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये कहा कि आप हरियाणा की जो राजधानी है, राजधानी हमारी अपनी होगी तो हरियाणा की जो पहचान है वो अलग से निकल कर के आएगी। आज यहाँ ये दोनों प्रदेशों की राजधानी है, ना हमारा कुछ भला हो पा रहा है ना उनका पूरा कुछ हो पा रहा है। तो राजधानी अगर अलग से बने हरियाणा के कहीं भी बीच के स्थान पर, कुरुक्षेत्र बने, करनाल बने या जहाँ पानी की उपलब्ध है और पूरे हरियाणा का लोगों को सुविधा हो सकती हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें सभी राजनीतिक दलों को अपने निजी उनको छोड़ करके देश के हित में और प्रदेश के हित में नई राजधानी बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ना हमारा हाईकोर्ट है, ना हमारी और सुविधाएं हैं, जो अगर राजधानी हमारी अपनी होगी तो उसमें हरियाणा के नौजवानों को एक नए अवसर मिलेंगे, हरियाणा को आगे बढ़ने का एक नया मौका मिलेगा। एक सवाल ये है कि सर, हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया प्रयोग शुरू किया है, योगा को करवा रहे हैं जिससे कान पकड़ के उठक बैठक लगवाई जाती है और तर्क उसमें ये कि इससे ब्रेन शार्प होता है। देखिए, मैं इस चीज़ को, योगा की इन गतिविधियों को मैं जानता नहीं। अगर वाकई ब्रेन ठीक होता है तो कोई बुराई भी नहीं है, और अगर इसमें कोई ये दूसरा, अगर इन्होंने महत्वाकांक्षा रखी हुई है और वो अगर अनैतिक है तो नहीं करना चाहिए। थैंक यू। नौकरियां जो है वो हरियाणा के युवाओं को मिलनी चाहिए सुपरवाइजर से नीचे के लेवल पे, इसके लिए जल्दी उनकी तरफ से हल्ला बोल जो है। हमारी पार्टी तो इस बात को बहुत सालों से कह रही है और हरियाणा की विधानसभा में हमने ये बात बार बार इस बात का मुद्दा रखा है कि हरियाणा के अंदर जितने भी ये कारखाने हैं या प्रतिष्ठान हैं जहाँ किसानों की जमीन जाती है, वहाँ उनके बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए और जिनकी ज़मीनें जाती हैं उनको रोज़गार के अलावा उनमें उनकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। जैसा कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट कांग्रेस ने जो बनाया था उसमें इन सब बातों का प्रावधान किया हुआ है। लेकिन हल्ला बोलना कहाँ तक सही है सर? फैक्ट्री में जाकर हल्ला बोलेंगे, ये कहा जा रहा है? नहीं, ये तो एक राजनीतिक बयान है और अब क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो वो कुछ ना कुछ चुनाव का फायदा लेने के लिए इस तरह की बातें कर रहे होंगे। लेकिन जो ये कह रहे हैं उसके एवज में लैंड एक्विजिशन एक्ट में सारे प्रोविजन ऑलरेडी आए हुए हैं। उन्होंने कहा इसके लिए मुझे राज ठाकरे बनना पड़े, बाल ठाकरे बनना पड़े, तो इसके लिए बनेंगे। इस तरह से देखते हैं कि कोई शुरू हो गया, जिस तरह से मुंबई में राज ठाकरे ने शुरुआत की थी कि बाहरी लोगों को नहीं आने देंगे, अब यहाँ हरियाणा में इस तरह की बात की जा रही है? नहीं, तो इसके लिए तो उनकी सरकारें इस हरियाणा में कई दफ़ा रही हैं, तो उस वक्त इनको करना चाहिए था। जब इनकी सरकारें थी तो तब ये बातें इन्होंने क्यों नहीं लागू की? आज चुनाव का समय है और चुनावी मुद्दे बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और जितने भी हमारे विरोधी दल हैं वो चुनाव जीतने की नीयत से इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, तो हरियाणा के लोग समझते हैं। नाश्ता ले लो जी। राजेश, आप कुछ